पिंक हो जाता है, NaCl येलो हो जाता है और KCl वायलेट हो जाता है। KCl वायलेट, हाँ सर। तो आपसे पूछेगा वाई LiCl बिकम्स पिंक, क्या बोलेगा? ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वाई NaCl क्रिस्टल बिकम्स येलो, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वाई KCl बिकम्स वायलेट, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, ये हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ केटाइन। समटाइम्स इट हैपेंस दैट एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऐसा लैटिस है जिंक ऑक्साइड, इसका भी रेशियो 1:1 है, बट समटाइम्स एट हाई टेम्परेचर सम ऑफ द ऑक्साइड आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट क्रिएटिंग वैकेंसी। नॉर्मल रेशियो 1:1 होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑक्साइड आयन लैटिस से निकल गया, वैकेंसी क्रिएट करा दी, क्या होगा सोचिए? जिंक तो उतना ही है और ऑक्साइड कम हो गया, तो ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और ये हो जाता है येलो। जिंक ऑक्साइड व्हेन हीटेड बिकम्स येलो, आज फिर कूल करते हैं तो हवा का ऑक्सीजन ले लेता है और फिर व्हाइट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। जिंक ऑक्साइड व्हेन हीटेड बिकम्स येलो ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्साइड आयन, लॉस ऑफ ऑक्साइड आयन, इट बिकम्स व्हाइट ऑन कूलिंग ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर। ऑन कूलिंग इट अगेन बिकम्स व्हाइट बाय एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर, एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ये वापस फिर व्हाइट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक हुआ बाय द लॉस एडिशन ऑफ केटाइन, दूसरा बाय द लॉस ऑफ एनाइन। इसका इसमें हम लोग ऐसे ही बोलते हैं एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट, इसका एक नाम और है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट। बोलिए क्यों, क्यों नाम है एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट? एनाइन एनाइन का लॉस हुआ है ना, एनाइन का लॉस हुआ है ना, एनाइन का वैकेंसी हो गया, इसमें भी केटाइन आ गया, केटाइन कोरस्पॉन्डिंग एनाइन का जगह खाली रह गया, केटाइन तो अपने जगह पर चला गया, एनाइन तो आया नहीं, ये एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट हुआ। इसको अच्छा से समझ गए हैं आप, आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हाँ, इसमें नंबर ऑफ केटाइन
बाय नंबर ऑफ एनायन कम हो गया है, मतलब नंबर ऑफ केटाइन घट गया है। द डिफेक्ट इन विच केटाइन टू एनायन रेशियो डिक्रीजेज, केटाइन कैसे घट सकता है बताइए, बाय द बोलिए बाय द लॉस ऑफ केटाइन या बाय द एडिशन ऑफ एनायन। यही तो संभावना है, या तो केटाइन चला गया या एनायन बाहर से आ गया। हम आपको अभी दिखाए थे एग्जांपल, याद है कि Fe 0.950 क्या हुआ इसमें, सम ऑफ द फेरस आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, लैटिस साइट छोड़कर भाग गए, ऑक्साइड रह गया, आयरन भाग गया, ऐसे Fe2+O2- ऐसे है। इसमें क्या हुआ, इक्वल नंबर में था केटाइन और एनायन, इसे कुछ केटाइन ही भाग गया, केटाइन भाग गया, वैकेंसी क्रिएट कर गया। ये हुआ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ केटाइन। थ्योरेटिकली एडिशन ऑफ एनायन भी एक तरीका है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। एडिशन ऑफ एनायन नहीं होता है, क्यों नहीं होता आप समझ सकते हो, एनायंस आर ऑलवेज लार्जर इन साइज, दे कैनॉट फिट इन टू द वॉइड्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में आप जानते हैं वॉइड हमेशा छोटे होते हैं एटम के साइज से, उस छोटे साइज वाले में एनायन नहीं आ पाएंगे। आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाय द एडिशन ऑफ एनायन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ एनायन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज एनायंस आर लार्जर इन साइज, दे कैनॉट फिट इन टू द वॉइड्स। ठीक है, तो इसमें एक ही डिफेक्ट होगा एक ही कारण से, दैट इज लॉस ऑफ केटाइन। एनायन का एडिशन थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दिस इज ऑल अबाउट नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आपके मन में कुछ प्रश्न है तो बताइए यहां तक पढ़ाई से, नहीं तो अंतिम बच गया। अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इसको मिटा दूं, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछिए, किसी के मन में घर में पढ़ रहे हो कि नहीं, अब लास्ट है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। नाम से डिफिनेशन समझ गए होंगे आप, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, मतलब डिफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी इन द मेटल क्रिस्टल, डिफेक्ट
arising due to addition of impurity in the metal crystal. For example, अगर मान लीजिए आप NaCl लिए हैं, MgCl डाल देंगे, हाँ इसमें आप MgCl2 डाल दो, SrCl2 डाल दो या AlCl3 डाल दो, कोई भी इम्प्यूटी डाल दो या पहले से डाला हुआ है जो सॉल्ट होता है घर में, नमक जो खाते हैं NaCl, खासकर आजकल तो आता है प्यूरिफाइड, लेकिन पुराने जमाने में जो नमक आता था जिसको लोग बोरा में खरीदते थे, घर में रखते थे, उसमें बरसात के दिनों में वह पिघल जाता था। कुछ लोगों के मन में था कि नमक पिघल जाता है बरसात में, पिघलता नहीं था, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है। बरसात के दिनों में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर अधिक होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। और आप विज्ञान के छात्र हैं, रसायन विज्ञान के, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि NaCl इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक, NaCl डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, इट इज एन इंप्यूरिटी। NaCl में NaCl हम कहां से लाते हैं, सी वाटर से, समुद्री जल से, उस समुद्री जल में कुछ MgCl2 या CaCl2 जो रहता है पहले से, और वो MgCl2 हाइग्रोस्कोपिक है, वो एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करता है और हमारा साल्ट पिघल जाता है। आजकल जो प्यूरिफाइड सॉल्ट मिलता है मार्केट में उसमें इंप्योरिटी नहीं होती है, इसलिए वो नहीं पिघलता। ओके थैंक यू, मीटिंग हो गया भाई। अंदाज़ खत्म हो गया।